end to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of integrity of national assembly. This 26th day of November 1949, do hereby adopt intact and give to ourselves this constitution. Today I am going to speak the Constitution of India. The Constitution of India preamble: we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th of November 1949, do hurry, adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you. हसी से भारत का उद्देशिका का वाचन करूंगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एपब द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। बैकवर्ड क्लास मंच। बैकवर्ड का मतलब ओबीसी, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी और माइनर कम्युनिटी एमसी। ये जो पांच क्लासेस हैं पिछड़ों के, उनसे संबंधित जो भी महापुरुष हैं संविधान में, भारत का संविधान में, उनसे संबंधित उनके लोक हित के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके संदर्भ में जन जागृति फैलाना, प्रचार प्रसार करना इस मंच का उद्देश्य है। और उसके अलावा जो समय हमारे वक्ताओं के बाद बचता है, मिलता है, उसमें हम और आप सभी अपनी बातों को, वर्तमान ज्वलंत समस्याओं को जो हमारे समाज की हैं, हमारे राष्ट्र की हैं और हमारे संस्कृति की है, हमारे शिक्षा की है, हमारे सामाजिक विकास की है, हमारे आर्थिक विकास की है और सबसे आखिरी में कहूंगा राजनीतिक विकास या राजसत्ता की। ये हमारा प्रयास है, इस मंच का यही प्रयास है। अभी आप वर्तमान में, आज मैं देख रहा था कि अभी जो बाई पोल इलेक्शन हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं 3 लोकसभा और 7 विधानसभा और राज्यों में, तो जो हम इस पिछड़े वर्ग के बहुजन समाज जिसको बोलते हैं मूल निवासी समाज, उसकी अगर हम सांगठनिक एकता की बात करें, संघर्ष की बात करें, तो अभी धरातल पर जैसा चाहिए वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा, जो कि आज से 25-30 साल पहले दिखाई दिया था। और उसी समय मंडल कमीशन का भी उदय हुआ था और मंडल कमीशन को हम लोगों ने कमंडल के कारण नहीं समझा और आज भी यही संदेश दे रहा है। चुनाव के रिजल्ट हमारे उत्तर प्रदेश से भी साथी जुड़े हैं, देश के कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। आप अगर उसमें देखेंगे
तो जो वहाँ की मुख्य दल हैं, अगर आप जो चुनाव में हारे हैं उनके वोटों को अगर जोड़ दें, खासकर अगर हम समाजवादी और बहुजन समाज के पार्टी की बात करें, अगर वो दोनों एक साथ मंच पे आते उनके लोग, तो ये चुनाव कहीं भी हम हारते हुए नहीं दिखते, और जो विधानसभा में जो बहुमत मिला हुआ है वो भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो जिसको हम बोलेंगे सुप्रीमो बात, दोनों ही लोगों में हमारे जो समाज के लोग हैं सुप्रीमोवाद से ग्रस्त हैं, और इसका वजह है कि वो एकता धरातल पे दिखाई नहीं देती। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रांति प्रतिक्रांति तो करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है व्यवहारिकता की तो उस पर हम खड़े नहीं उतरते, और कहीं ना कहीं हम उस पाखंडवाद, उस ब्राह्मणवाद, उस पुरोहितवाद के चक्कर में, यानी जातिवाद के चक्कर में, वर्ण व्यवस्था के चक्कर में, या ईश्वरवाद, भूत भाग्य और भगवान दूसरे शब्दों में बोले, इसके चक्कर में पढ़कर हम कहीं ना कहीं अपने जो संवैधानिक वोट का मताधिकार मिला हुआ है, ऐसे इस शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं या हम उसका उपयोग नहीं करते। हमारे बहुत से साथी जो है तो वोटिंग करने चुनाव में देने नहीं आते, बोलते एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, और जो जाते भी हैं तो अपने वोट को जो है चाहे तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर नशाखोरी या पैसे के लालच में अपने वोट को बेच देते हैं, या लोक लुभावन योजनाएं जिनसे आपका हमारे समाज का भला नहीं होता, हमारे बच्चों को शिक्षित होना है, आगे जाना है, कैसा समाज उठना चाहिए, वो नहीं सोचते, जो शैक्षणिक चीजें हैं उसको। तो कुल मिलाकर इस तरीके की चीजों को हाईलाइट करना और इस पर चर्चा करना, और चूंकि हम लोग इस काम पे बहुत पीछे रहते हैं, जब बोलते हैं कि घर में आग लगता है तो हम लोग पानी ढूंढने जाते हैं, और यही कारण है हम लोग शुरू से पिछले 5 साल से जब से भी हो तब से हमको प्रयास करते रहना चाहिए और कैडर सिस्टम में करना चाहिए। कैडर सिस्टम ना हो पाना हमारी सबसे कमजोरी की वजह है कि हम लोग गाँव तक अभी अपने समाज को ये संदेश नहीं पहुँचा सके कि हमें अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम अपने भारत के संविधान के हम अपने महापुरुषों को घर तक नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमारे रोजमर्रा की चीजों में नहीं है, जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं उसमें नहीं है, केवल सोशल मीडिया में है। तो सोशल मीडिया में भी लोग जो चीज उन्हें देखना चाहिए उनके काम को उसको नहीं देखते हैं, वो केवल मनोरंजन के हिसाब से देखते हैं, तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो ना तो भारत के संविधान को जानते हैं, ना महापुरुषों को जानते हैं, और यही कारण है कि हम शिक्षित नहीं है, कि हम अज्ञान है, अज्ञानता की कमी है। शिक्षित का मतलब ये नहीं हम समझते कि हमको हम IAS IPS या जो भी है, ये प्रबुद्ध वर्ग है, लेकिन ये पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते। या आप अपने MP MLA को देख लीजिए, वो अगर हम पार्लियामेंट में जाते हैं या विधानसभा में तो अपने पार्टी को जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी चूक है कि हम उनको संदेश नहीं दे पाते, हमारा संगठन की कमी है। तो इसी तरीके की चीजों को साथियों प्रचार प्रसार करना हमारे मंच का उद्देश्य है। और आज के जो आपको टॉपिक हमारे संचालक महोदय देव प्रताप जी ने बताया कि हमारे जो राष्ट्रीय मसीहा, हम बोलेंगे राष्ट्रीय मसीहा, पिछड़ों के राष्ट्रीय मसीहा, इस देश के पिछड़ों के राष्ट्रीय मसीहा श्री लालू यादव जी, जो भी आज भी हमारे आपके बीच में इस समाज में अभी वर्तमान में मौजूद हैं, 75 की उम्र को पार कर गए हैं, और अभी आप देखे होंगे कि हाल ही में उनको जमानत मिली है, हालांकि जिस चीज को उन्होंने किया ही नहीं, जिस घोटाले के नाम से पूरा देश जानता है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया। साथियों उनसे पहले एक वहां पे जगन्नाथ मिश्रा CM हुआ करते थे, घोटाला उन्होंने किया, उसकी FIR जो है लालू प्रसाद यादव जी ने करवाई, और उसके अगेंस्ट में जो भी अधिकारी थे उनको जो भी एक्शन लेना था उन्होंने लिया, और जो बाद में जिसमें CBI इंक्वायरी बैठी और उल्टे ही इनको उसका बना दिया गया। जबकि आप देखिए इन्होंने 5 साल रेल मंत्री रहे और उसके बाद 15 साल तक बिहार में शासन किया,
इस बहुजन समाज को बहुत सामाजिक सम्मान दिलाया, और कभी एक भी इस पीरियड में इनके कोई घोटाले हो तो कोई हमको बता दे। हम तो यही जानते हैं कि रेलवे मंत्रालय 1,00,000 करोड़ ऊपर से फायदे में रहा और टिकट का रेट घटते के बढ़ते नहीं गया। आज तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ बेच दिए जा रहे हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं। और मंडल कमीशन लाने में इनका बहुत बड़ा वो था, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से लालू प्रसाद जी या जो भी हमारा ये समाज है, ये कहीं ना कहीं पाखंडवाद से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि हम अपनी ताकत को स्थायी नहीं रख पाते हैं। तो साथियों, यही इस मंच का उद्देश्य है। मैं बताया कि हम लोग श्रमण परंपरा के लोग हैं, तो मुल्की कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान से करते हैं, तो ध्यान चुकी हो चुका है, तो अब मैं काम की बात करूंगा। साथियों देखिए, पूरी दुनिया में दो ही आइडियोलॉजी है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही आइडियोलॉजी है, एक झूठ की है और एक सच की है। जहां भी झूठ रहेगा वहां नफरत रहेगा, जहां नफरत रहेगा वहां कलह रहेगा, जहां कलह रहेगा वहां औन्नति रहेगा, और जहां औन्नति है वहां हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां विनाश। जहां भी सच है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां उन्नति है, और जहां उन्नति है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां युद्ध नहीं। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना डेवलप की, और इसी व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट। अब समस्या यह है कि झूठ की व्यवस्था को हमारे लोग धर्म समझते हैं, तो इस झूठ की व्यवस्था को पवित्र मानते हैं, और जब इस व्यवस्था को पवित्र मानते हैं तो इसकी गले में लटका के तो घूमते हैं। दरअसल ये जो झूठ की व्यवस्था है ये गुलामी की व्यवस्था, ये जो धर्म की व्यवस्था है ये गुलामी की व्यवस्था है, लेकिन हमारे लोगों को इस गुलामी का एहसास ही नहीं। तो हम आपको 10 मिनट में एहसास कराएंगे और लालू जी का जीवनी बताते हुए कंक्लूड करेंगे कि कैसे एक सफल राजनेता असफल हो गया। तो असफल होने के पीछे का कारण मैं आपको एडवांस बता देता हूं कि अन्याय की व्यवस्था में न्याय मिल ही नहीं सकता। सीधी सी एक बात है कि आप अन्याय की व्यवस्था में आप मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े, थोड़ी सी सफलता मिली, फिर असफल हो गए। आपको असफलता आगे भी मिलेगी, आप कितना बड़े बड़े मंडल कमीशन के ऊपर आंदोलन कर लीजिए, आपकी जितनी भी अनुशंसाएं हैं उसमें से आधा एक अनुशंसा और लागू हो जाएगी, लेकिन आप पूरी तरह सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप धर्म की अल्टीमेटली धर्म की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आप हिंदू बने हुए हैं, और जब आप हिंदू बने हुए हैं तो इस व्यवस्था में आप नीच हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन में जो सबसे ऊपर का गैप है ये क्या है, यही ब्राह्मण है। ये कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और तुम लोग पैर से निकले हो इसलिए तुम नीच हो, और तुम तीनों वर्णों की सेवा करो। और इस व्यवस्था को हम लोग आज भी अंगीकृत किए हुए हैं। जो बच्ची ने उद्देशिका पढ़ी कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, लेकिन हम लोग आज भी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब आप इस संविधान को अंगीकृत करते हैं तो यही हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में आपको अहिर है तो भैंस चराना है, पितरिया है तो भेड़ चराना है, धोबी है तो कपड़े धोना है, कुर्मी है तो खेती करना है, चमार है तो चमड़े का। और ये संविधान कहता है निडर मातृवस्था है, सारे काम धाम छोड़ करके तुम नौकरी करो, लेक्चरर बनो, एमपी बनो, एमएलए बनो, मुख्यमंत्री बनो, रोजगार पाओ, सत्ता पर जाओ, लेकिन हम इसको इस संविधान को गले नहीं लगाते। इसलिए जो संविधान हमको कह रहा है नीच हो उसको सबसे पहले लात मारना पड़ेगा। जो संविधान कहता है तुम नीच रह करके तीनों वर्णों की सेवा करते हुए सिर्फ घंटा बजाओ, यानी इस झूठ की व्यवस्था में
में नीचता मिलती है और दूसरा घटता मिलता है, तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा जो कुछ भी है आपको इस व्यवस्था में मिलता है, जो कर है सारे नागरिक एक समान और ये कर है सारे नागरिक असमान, ये आपको शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क पानी रोजगार सब कुछ दे रहा है। तो हमको इस व्यवस्था को मानना, सारे महापुरुष कहते हैं गौतम बुद्ध से लगाए, बिरियार से लगाए, जगदेव कुशवाहा से लगाए, छत्रपति साहू जी महाराज से लगाए, सारे कह रहे हैं कि सारे नागरिक एक, सारे इंसान एक है, वो हमारे घर में होने चाहिए। हम भाषण दे करके बाहर आते हैं और घर में हमारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो आप देवी देवता जिसको रखना रखे, लेकिन जो हमारे असली भगवान है वो जब तक घर में स्थापित नहीं होंगे, क्योंकि तो चित्र से चरित्र बनता, जब हमारे घर में महापुरुष रहेंगे और उनको हम आगे रख करके संस्कार करवाएंगे, जैसे बलिया में यादव जी की माँ मर गई तो उन्होंने कहा हम पंडित के बिना संस्कार करवाएंगे, तो मैं गया और संस्कार करा दिया, सारे महापुरुषों को आगे रख करके ध्यान, उस ब्राह्मण हर काम की शुरुआत पूजा पाठ से करता है, हमने ध्यान से करा, और लास्ट में संविधान की उद्देश्य का पढ़ और पंचशील का अर्थ बता दिया, तो लोगों को समझ में आया, पूरा गांव के लोग बोले हम लोग आगे से ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। तो जब आप घर में ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मण की बनाई हुई जाति व्यवस्था को नहीं मानेंगे, ब्राह्मण के बनाए धर्म ग्रंथों को नहीं मानेंगे, यानी उस व्यवस्था से दूर हट जाएंगे, तो आपको जो है न्याय व्यवस्था ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि तो जिसकी सामाजिक व्यवस्था होती है उसी की राजनीतिक व्यवस्था भी होती है, उसी की अर्थनीति भी होती है। आप राजनीति की बार बार बात करके हमारे लोगों का हमारे लोग मनोबल गिराते रहते, राजनीति की हमें बात करना ही नहीं है, राजनीति में आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है, आपको थोड़े समय अगर मिल भी गई आंदोलन के द्वारा, जैसे यादव जी को मिल गई, ये छात्र राजनीति से ही राजनीति में प्रवेश कर गए, बलवरिया गांव में जन्म हुआ, उसके बाद 1977 में ये चुनाव लड़े छपरा से और 29 साल की उम्र में ये जो है सांसद बन गए, फिर सांसद बनने के बाद 1990 में मुख्यमंत्री भी बन गए, 97 तक मुख्यमंत्री रहे, 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री भी रहे, पर अंतोगत्वा हुआ क्या, उनको जेल में डाल दिया गया, तो वो जेल में तो डालेगा ही, क्योंकि आप धर्म को छोड़ा नहीं, आपने समाज को मैसेज नहीं दिया कि तुम ब्राह्मणों की बनाई जाति को मत मानो, ब्राह्मणों के बनाए धर्म को मत मानो, तो चूंकि एक नेता जो आगे रहता है उसका समाज फॉलो करता है, अगर नेता हमारा जिसको हम आदर्श मान रहा है समाज, अगर वो उनके त्योहार मना रहा है, उनकी बनाई जाति को मान रहा है, तो समाज तो अंत में गर्त में चला जाता है। तो लालू यादव राजनीतिक रूप से उस समय के लिए सफल थे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए असफल क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की नाक को नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म की व्यवस्था में बने रहे, अन्याय की व्यवस्था में बने रहे, और समाज भी हमारा लालू हो मुलायम हो जो कितने लोग भी हैं, अन्याय की व्यवस्था में रह करके समाज को भी अन्याय की व्यवस्था में धकेल दिया, और परिणाम आपके सामने है, समाज नेता भी पिट रहा है, समाज भी पिट रहा है, और जो जहाँ नौकरी कर रहा है वो अपमान की जिंदगी जी रहा है, जो गांव में हो शहर में हो यूनिवर्सिटी में हो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, अगर बन भी गए तो आपको जलालत की जिंदगी जीनी पड़ रही, क्यों, क्योंकि आपका नेता तो धर्म से चिपका हुआ है, की पिटाई हो रही है, ले हमारे लोगों के लिए हर जगह अपनी बात खत्म करेंगे अंधविश्वास पाखंड के ऊपर, जब पढ़े लिखे ही पागल है तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा, जिंदा बाप कोई न पूछे मरे बाप बुझवाएगा, जिस पत्थर में प्राण नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो तो कभी इज्जत नहीं पाएगा, राहु केतु जब भाई नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर खेल का भी सत्यानाश करवाएगा, अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द बल जूंगा बताएगा, ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, जाते कुछ कुछ तो तुम्हारा मालिक पर ईश्वर अल्लाह किधर, जो नहीं दिख रहा है उसको मानो,
ब्राह्मण का सिद्धांत है जगत मिथ्या भ्रम सत्य, नहीं दिख रहा तो मानो, दिख रहा तो मत मानो, जानो मत मानो। और हमारे बुद्धा से लेकर कबीर से लेकर सारे लोग कह रहे हैं जानो सब। ये दो आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी के आगे बढ़ाते हुए एक कविता हमने जाति व्यवस्था के ऊपर बनाई कि बड़ा अजीब दास्ता है देश का, जो कहते थे कि जाति व्यवस्था खत्म करो, उनको जातिवादी बना दिया और बोए जिन्होंने जातियों के बीच हिंदुवादी बना दिया। हिंदू धर्म कुछ नहीं, जातियों का एक झमेला है, जहाँ 6-6 इंच का अंतर हो वह पुरुषों का एक खेल। कार्ल मार्क्स जी कहते थे धर्म एक अफीम का गोला है, इस नशे से दूर रहे, यह शोषण का एक गोला है। अगर आप एकलव्य तो अंगूठा आपको कटवाना है, अगर आप ब्राह्मण वर्ग से तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। जब भी कोई मेडल जीते जाति उसको बताना है, भले होवे वो ध्यान चंद तो भारत रत्न नहीं पाना है, अगर आप बनवादी नेता तो जाति का समीकरण बनाना है, और समीकरण में अगर गड़बड़ी दिखे तो दंगा भी करवा। दंगा कौन कराता है, कैसे पता चले, उसी का मीडिया, उसी की कांग्रेस, उसी की बीजेपी, उसी का केजरीवाल हुए, तीन काम करना चाहिए। वो लोगों को भक्त बना रहा है, तो भक्ति का विकल्प क्या है, ध्यान मार्ग। हमारा भी तीन काम, हमारे लोगों का भी तीन काम होना चाहिए, ध्यान, संविधान और वास्तविक आयकान। उसका काम है भक्ति, मनुष्य वृत्ति और काल्पनिक आयकान घर घर बटाना बटवाना। तो हमारा भी विवाद ध्यान से समाप्ति संविधान की उद्देशिका से, और घर घर वो भगवान बांट रहा है तो घर घर हमको महापुरुष को बांटना। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का जो आपने टॉपिक रखा है निश्चित रूप से ऐसा टॉपिक रखा है जो हमें एक प्रेरणा देता है कि हम कुछ अपने समाज के लिए कर सकें। निश्चित रूप से अभी आदरणीय महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय मसीहा है पिछड़ों के, आदरणीय लालू जी, इससे कोई दो राय नहीं है। मैं इनपे अपने केवल 5 मिनट के संबोधन में जो मैंने महसूस किया है इस शख्स के बारे में, इस महापुरुष के बारे में, उसे मैं अपने शब्दों में बयान करना चाहूंगा। और मैं जानता हूं ये चट्टान जैसे इरादे वाला शख्स शायद सदियों में कभी एक बार पैदा होगा। वो शख्स अगर चाहता तो बहुत आराम से पूरे जीवन को सफल कर सकता था, अपने अगर ये समझौता करता अपने सिद्धांतों से, तो जैसा अभी देवेंद्र सर ने कहा कि वो फेल हो गए, तो आज की दुनियावी में वो सफल हो जाते, आज वो जेल में नहीं होते। और सिर्फ इसलिए कि वो अपना अपने इरादे पर अटल रहे। लालू प्रसाद, मुझे याद है जब चरवाहा विद्यालय का उन्होंने शुरुआत की थी बिहार में, तो इतना लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोग बाग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी चर्चा हुआ कर, आज को लाभ हुआ, जो कभी जी स्कूल को देख नहीं सकते थे, जिनके बच्चे स्कूलों में कभी जाने की सोच नहीं सकते थे, उन्होंने स्कूल में अपने बच्चों को भेजा, खुद ले गए, और इस तरह का उन्होंने एक मील का पत्थर स्थापित किया। उस समाज का लाभ उसे आज मिला, वो बेशक उनके साथ जैसा सरकार का रवैया है, मनवादियों का जो खेल है, उसमें ना जाने अभी उनके साथ क्या क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांत। जिस पथ पर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी आज तक उस पथ पर चल रहे हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो, जो उनके आगे कभी झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं, मुकाबला किया, हार हुई या जीत उसकी चिंता किए बगैर उन्होंने वो काम किया है समाज के लिए। हमें लगभग 20-25 साल पहले अगर जाए तो बिहार की घटना हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश की सामाजिक समीकरण हो, निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग अपना मत भी नहीं दे पाते थे। संविधान ने हमको अधिकार दे दिया था 1947-49 में मताधिकार का हमको, लेकिन उसका धरातल पर उपयोग नहीं हो पा रहा था, और खासतौर से बिहार जैसे गरीब राज्य में तो निश्चित रूप से दबंगों की इतनी दबंगई थी
कि उसको अपनी मर्जी से वोट देने का भी अधिकार नहीं मिल पाया। और मैं समझता हूं पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर गरीब लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। उसी समय जो लालू जी उनकी बातों को समझ गए थे, उनके बीच में, चूंकि लालू जी लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के नेता थे, गरीबों के नेता थे, गरीबों के बीच में जहां उतर जाया करते थे, कोई उनके अंदर सुप्रीमो कल्चर नहीं थी, इसलिए वो जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ रहते थे, जमीन पर रहते थे, और वो जानते थे कि मेरे बारे में लोग, मेरे लोग क्या सोच रहे हैं। चुनाव से पहले एक देखिए अद्भुत कहानी क्या आती वहां, जब विधानसभा के चुनाव हुए और वो कहते थे लालू जी इस बार चले जाएंगे एक टर्नओवर के बाद, तो उन्होंने पहले चुनाव से पहले ही कहा था कि मतपेटियों से जिन निकलेगा। ये बहुत पॉपुलर हुआ पूरे देश में, ये जुमला उनका पॉपुलर हुआ था, और वाकई वो जी नहीं निकला, पहले से ही बड़ी बहुमत के साथ वो वापस आए। तो वो ऐसे नेता कुछ ही होते हैं, वो जो पब्लिक को भाप गया और पब्लिक भी उनके उसको समझ गई थी कि हमारा असली नेतृत्व तो यही दे रहा, असली मसीहा हमारा यही है, जो आदमी कभी चारपाई पे नहीं बैठ सकता था, लोगों की परछाइयां, अपने अपनी परछाई भी लोगों के वहां कुछ स्वर्णों के सामने नहीं डालना चाहता था, वोट देना तो बहुत दूर की बात है, उनसे मुकाबला करना सिखा दिया। ये छोटी बात नहीं थी, सामने आना बैठना तो छोटी बात है, लेकिन उनसे मुकाबला करना सिखा दिया, अगर तुम ईंट मारोगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर देंगे, इस तरह की भावना, इस तरह का साहस उनके बीच में पैदा करने वाले लालू जी। और उसको क्या दुष्प्रचारित किया था उन्होंने, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होता ही है, अगर मेरे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हूं, मैं उससे अपने बचाव में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता हूं, हाथ उठाता हूं, तो उसे दिया उन्होंने कि नरसंहार हो रहा है, वहां कानून व्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन उस कानून व्यवस्था को बिगड़ने को मैं बिगड़ना नहीं मानता, वहां सम्मान से लोगों ने जीना सीखा उसी बहाने है, जवाब देना सीखा उसी बहाने है, ये एक बड़ी सोच थी उनकी, उनका साथ था, गरीबों के साथ खड़े रहते थे, इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ी, और उसका यह परिणाम रहा कि 15 साल जब उन्होंने एक छत्र राज किया। अभी याद भाई को किंग मेकर की बात है, बुद्धिमान कितने थे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था, ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, सब जश्न मना रहे थे कि अब लालू जी जेल में जाएंगे, आगे उनकी पार्टी का क्या होगा, कैसे वो चलेगी पार्टी, लेकिन लोग अचंभित रह गए जब राबड़ी देवी को उन्होंने सामने ला करके मुख्यमंत्री बना दिया, और जेल में रह करके पूरे उन्होंने बिहार की सत्ता को चलाया। ये होती है बुद्धि, यानी ना वो बुद्धि में कम थे, समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहने वाले इंसान थे, जो लड़ाई लड़ते थे, अपने आप को कष्ट में डाल के लोगों को सुख देने का उनका जो चलन था, जो व्यवहार था, वो हमें आज ही नहीं, आने वाली हमारी कई पीढ़ियां उसको याद रखेंगी, और ऐसे महापुरुष शायद हमें दोबारा ना मिले हमारे समाज में, ऐसी इस तरह की चीजें हमें आश्चर्यचकित करती हैं, और आज तो हम शायद उनको, उनकी उपलब्धियों को उस तरह से ना समझ पाए, लेकिन जब इंसान नहीं होता है सामने, तब उसके कमी ज्यादा हमें महसूस, तब उसकी जो अच्छाइयां तब हमें स्मरण आती है। ऐसे ही नहीं, उनको भारत का नेल्सन मंडेला कहा गया, नेल्सन मंडेला इसीलिए कहा गया कि उन्होंने गरीबों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, असहायों के लिए अपना सब कुछ। मुझे कहानी याद आती है कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, और इसी में चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी लोगों की कि बिहार में कितनी अराजकता है, बिहार में कितना अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, और वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार से जो ट्रेन आती थी, मैं उसी में बैठा था, और बिहार का एक शख्स, गरीब आदमी, मजदूरी जो करने पंजाब में जाता था, उसने ऐसा जवाब दिया था, मुझे आज भी अच्छा याद है, कि कौन कहता है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, बिहार में लोगों ने जीना ही अब सीखा है, और उसे जीना सिखाया किसने, लालू प्रसाद यादव ने। ये शब्द उस गरीब इंसान के, शायद जो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं था, मजदूरी करने के लिए पंजाब में जा रहा था, और उसका जवाब सुनकर के मैं अचंभित रह गया, क्योंकि तो मैं बहुत ज्यादा उस समय तक जानता नहीं था लालू जी के बारे में, और जो लोगों लोग कहा करते थे वो चीजें हमारे तक आती थी, और जो स्वर्ण ही मीडिया है, स्वर्ण ही टीवी है, स्वर्ण ही अखबार है, जो वो दिखाया करता था, हम उसे ही सही माना करते थे। लेकिन जब उस शख्स ने इस बात को कहा, तो मैं उसके संपर्क में आया, और वह जब तक मैं उसके साथ सफर करता रहा, तब तक वहां के बारे में उससे पूछता रहा, जानता रहा, एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसा क्या हुआ, तो जो जो चीजें उसने बताई, मैं समझता हूँ आज के समय में ऐसा करने वाला नेता निश्चित रूप से महान
और मसीहा ही बनेगा, हमारे समाज का उद्धार करने वाला बनेगा। ऐसे मजबूत इरादे रखने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम सब सब नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं उनको ईश्वर दीर्घायु करेगा और जल्दी से जल्दी वो जेल से बाहर आएंगे और फिर से अपने समाज के लिए, फिर से अपने कर्मों को, फिर से अपने सिद्धांतों को लागू कराएंगे और आने वाली मैं समझता हूँ पीढ़ियां भी उनका आभार व्यक्त करेंगी। और मैं समझता हूँ वो खून शायद तेजस्वी जी में है और कभी कभी उस लालू यादव की याद भी दिला देता है, तो मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा वो चीजें उनके अंदर आए और वो भी समाज के लिए ऐसे ही पथ प्रदर्शक का काम करें जो हमें लालू प्रसाद जी ने सिखा दिया है। और शायद मैंने समय ज्यादा लिया, बहुत से बढ़ता है, मुझे भी सुनना है। मैं आपका एक बार सब सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इस कड़ी में मैं भी अपनी कुछ बात रखना चाह रहा था, क्योंकि देखिए हम ओबीसी समाज की बात करते हैं, हम किसी, हम लोग जो जाति में बटे उसको हमको जाति नहीं बोलना चाहिए, हमको एक उसको समुदाय बोलना चाहिए और लगभग वो समुदाय हम आपस में एक हैं। गौतम बुद्धा के दवाने से शुरू होता है कि हम सब जो भी हैं सब खत्ती हैं, खत्ती समुदाय है। खत्ती मतलब खेतीहर समुदाय है, कोई खेती करता है, कोई खेती में उपयोग होने वाले पशुपालन का कार्य करता है, कोई उससे संबंधित औजार बनाने का काम करता है, कोई तराशने का काम करता है, तो कोई शिल्पकार का काम करता है, तो कोई ना कोई जो भी श्रमिक जातियां हैं वो खेतीहर जातियां हैं, खेतीहर समुदाय हम बोलेंगे। और उस समुदाय को बड़े ही चालाकी से जो इस भारत वर्ष के जो कुलीन तंत्र है, जो सामंतवादी लोग हैं, उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद और अपने जो हिंदुत्वकारी गतिविधियां हैं जिसको आप दबंग बोलते हैं, उसके आधार पर लोगों को उन्होंने सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाया और वो गुलाम बनाने की परिणति ये हुई कि हम शिक्षा से वंचित रह गए। और जब शिक्षा से वंचित रह गए तो हम लोग उसको प्रश्न ही नहीं करते थे, समाज में उनके सामने हम बैठने की औकात नहीं रखते थे। आप देखे होंगे कि जब से ये भारत का संविधान आया तो पहले हमारे पुरखे जो है जो दबे कुचले थे, पुरखों का जो संदेश है, पुरखों का विचार है, संघर्ष का निचोड़ है, वो भारत के संविधान में है। वो संविधान हमें हमारे महापुरुषों ने हाथ में दिया लेकिन हमने उसको कभी नहीं पढ़ा, और उसको छोड़कर अगर हम उस संविधान की वजह से आज किसी व्यवसाय नौकरी चाकरी में लगे हुए हैं तो हमको धार्मिक ग्रंथ थमा दिए और हमारे जिनको पढ़ने का कुछ अधिकार नहीं था वो ग्रंथ को लेके, और हम किसी से भी पूछेंगे कि भाई कोई रामचरित मानस रामायण भागवत का श्लोक या कुछ चौपाई सुनाओ, तो हमारे भाई लोग सब बड़े कंठस्थ हैं। लेकिन संविधान का जिसमें लोक हित की बातें हैं, अगर हम बोलें कि आपके लिए जो आपकी समस्याओं का समाधान संविधान है उसके बारे में बताइए तो लोग नहीं बता पाते। तो साथियों इसमें जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में दिया हुआ है उस संबंध में लालू यादव जी को मैं इसलिए याद करूंगा कि इस देश में पिछड़ों को हिस्सेदारी के लिए संख्या के आधार पर जो मुहिम चल रही थी उसके लिए आप देखें कि एससी एसटी के लिए आयोग बना था, 1966 में उनका प्रतिनिधित्व मिला और ये आयोग 1978 में बना, 1980 में पीपी मंडल जी ने आयोग को परिणित दी लेकिन वो 10 साल तक लागू नहीं हुआ। और इसको लागू करने के लिए लालू यादव हो गए, मुलायम यादव हो गए, शरद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, आपके गोपीनाथ मुंडे हो गए, कांग्रेस में हनुमंता थे, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको एक संघर्ष, और हमारे काशी राम जी का भी बहुत सहयोग रहा उसमें, उन्होंने दबाव बनाया जिस समय एक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी। तो कुल मिला के देखिए आयोग बनते थे लेकिन आयोग इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, और उसने जो अपनी अनुशंसाएं की थी मंडल में 40 पॉइंट दिए थे मंडल 40, और उसको लागू करवाने में इन सभी लोगों का बहुत योगदान था। चाहे किस भी दबाव में वहां पे बीपी सिंह की जो सरकार थी उसने किया और उसको करना पड़ा,
लेकिन लागू होने के बाद भी 3 साल तक उसमें कोर्ट केस चलते रहा, और 3 साल के बाद में जब उसका फैसला आया तो 52% जो मिलना चाहिए 27% पे आ गए, और 27% को भी लेने के लिए हम लोग नहीं लड़ा, तो बहुत से राज्यों में आज भी देखिए 13% हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो मिला हुआ है, जिसको आरक्षण कहते हैं, और हमारी जो हिस्सेदारी है सचिवालय में ले लिए, चीफ मिनिस्टर लीजिए या आप स्कूल यूनिवर्सिटियों में ले लीजिए, किसी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में लीजिए, किसी भी अभी संस्थान जहां से इस देश का राजकार चलता है, यानी व्यवस्था का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इवन मीडिया देख लीजिए, वहां पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके हिस्सेदारी की बात हुई थी, और हम कमंडल के चक्कर में पड़ गए। उस कमंडल में अभी वर्तमान के सरकार में जो लोग हैं वो भी थे, और कमंडल फिर 30 साल बाद कमंडल की हमको याद आ रही। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, और उसको वो भी किसी न किसी सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से हम लोग उससे चूक गए, जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा था, जैसे हमारे देवेंद्र यादव सर ने कहा, कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्थायित्व सत्ता या स्थायित्व परिवर्तन नहीं हो पा रहा, चाहे वो पिछड़े समाज के कोई भी किसी भी राज्य के प्रतिनिधि हो। और लालू जी यादव अभी चूंकि जिंदा हैं, उनको इस संदर्भ में हम ये याद करना चाहेंगे कि आप देखते हैं कि उन्होंने लगभग भारतीय राजनीति में आप देखिए एनालाइज करिए, वो ऐसे नेता हैं भारतीय राजनीति में ऐसे नेता कि आप देखिएगा लगभग उन्होंने लगभग 12-13 साल हो रहे हैं जो घोटाले की वो सजा काट रहे हैं, और उस घोटाले का सजा काट रहे हैं जो घोटाला की उन्होंने कभी किया ही नहीं है। हमारे साथी बहुल समाज के लोग जिनके बीच में मनुवादी लोग, दुश्मन लोग प्रचार करते हैं कि वही देखो वो चारा घोटाला में घास खा गए, जानवरों तक तो नहीं छोड़े, तो साथी वो उस तय में जाने का कोई हमारे लोग कोशिश नहीं की, ये भी अज्ञानता है कि जो घोटाला कितना दिन पहले शुरू हुआ था और वो जगन्नाथ मिश्रा के पर समय हुआ था, जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र भी किया था, घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग जो है लालू जी बैठाते हैं, FIR लालू जी करवाते हैं, जो भी उसमें उस समय प्राइमा फैसी शुरुआत में जांच में जो लोग दोषी मिले थे उनको उन्होंने सजा का प्रावधान भी दिया, सजा कराने की कोशिश किया, सस्पेंड भी हुए, लेकिन बाद में इसको जांच को CBI को दे दी गई, और CBI में उस समय CBI ने भी इनको बरी कर दिया था, लेकिन एक जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, जस्टिस अरुण मिश्रा जो चीफ जस्टिस भारत के रंगनाथ मिश्रा के रिश्तेदार हैं, मिश्रा बंधुओं का आप देखिएगा कि कोलोजियम सिस्टम में एक न एक करके लोग बने रहते हैं, तो वो अरुण मिश्रा को इनको दिया गया जानबूझकर, और अरुण मिश्रा ने इनको उसका दोषी बनाया और तुरंत ऐसे ऐसे धाराएं लगा के जिसका विवेचना नहीं हुआ, और उसमें ऐसे जो लालू जी के वकील भी थे ऐसे ऐसे जो मनवादी ही थे, तो केस भी हमारा मनवाद वाले लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, अल्टीवस्तुआ उन्होंने उस मामले में जमानत नहीं मिली और उनको जेल हुआ आप जानते हैं, तो भी वो संघर्ष करते रहे हैं। अगर हम उनके वो चीज अभी चल भी रहा है, अभी जब तक निर्णय नहीं आया, निर्णय देखिए आएगा तो ये मत समझिए कि निर्णय हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग न्यायालयों में नहीं है, भारत के संविधान के 312 अनुच्छेद में ये कहता है कि अखिल भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना होनी चाहिए। आज आजादी के 70-72 साल हो गए साथियों, लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना नहीं हुई, तो हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व होगा कहाँ से। कोलिजियम सिस्टम आ गया है, कोलिजियम सिस्टम में आप देखिएगा भाई भतीजावाद है, इसमें नॉमिनेशन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, और इसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से संविधान में एक परिवर्तन किया। पहले होता था कि किसी भी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह से, यानी विथ कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था, बाद में उन्होंने विथ कॉन्करेंट मतलब उनकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति किसकी सहमत, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सलाह उनकी सहमति से करेगा, तो अब सहमत होगी, पहले सलाह था, सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन अब सलाह को मानना ही पड़ेगा,
शब्दों का हेर फेर है, अभी संवैधानिक चीजें डॉक्टर पवन यादव बताएंगे और जो भी हमारे संविधान के लोग हैं तो आप समझेंगे। तो कंसल्टेशन को कंकरेंट करके बड़ी चालाकी से काम कर दिया और उसके तहत अरुण मिश्रा को बैठाया, अरुण मिश्रा ने उनको साथी किया। ठीक है, हमारे कई लोग बोलते हैं कि भाई भतीजावाद है, सुप्रीमो वाद चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही। बिल्कुल इस पर हमको विचार करना होगा, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। आप लीडरशिप जरूर रखिए लेकिन प्रतिनिधित्व अलग अलग समुदाय के लोगों को भी जो डेवलप होता है उसको जरूर दीजिए। देखने में आता है कि जो भी हमारी पार्टियां हैं वो अलग लोगों को प्रतिनिधित्व देती हैं जो हमारे दुश्मन है, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन कहीं से नहीं होता है। अच्छाइयों की बात करें, अच्छाइयों का देखिए लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, आप सभी जानते हैं उस समय के 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1,00,000 करोड़ से ऊपर का फायदा भी दिया था, ट्रेनों का किराया कम हुआ था, ट्रेनों में 58 टन जो है लोड जाता था बक्सों में, एक्चुअल में 58 टन का परमिट है लेकिन वास्तव में उसमें 68, 69, 70 जो रेलवे में हमारे भाई जानते हैं, यानी 12 से 14 टन एक्स्ट्रा जो जाता था उसका रेंट नहीं मिलता था और रेलवे घाटे में चलता था, वो पैसा हमारे कर्मचारी या भ्रष्ट अधिकारियों जाता। भ्रष्ट लालू यादव थे कि भ्रष्ट वो कर्मचारी थे, आप सोचिए। जब उन्होंने कहा कि 70 टन ले जाने की क्षमता तो क्यों ना हम 70 टन का भाड़ा लें, उसलिए रेलवे 1,00,000 करोड़ के फायदे में आया था। और रेलवे जो है पब्लिक सर्विस है साथियों, 9 लॉस 9 प्रॉफिट पे चलने हैं, भारत के गरीब सोचों के लिए उस समय उन्होंने गरीब रथ भी आप चलाया था, यही सोच के चलाया था कि हमारे लोग भी उस कम किराए में उस एसी का सफर कर सकते हैं, एसी क्या होता है। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद का नाम सुने होंगे, बहुत सारे आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बाहर से भी लेक्चर देने आते हैं मैनेजमेंट प्रबंधन का। लालू यादव को अमेरिका जैसे जगह में आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने लेक्चर के लिए बुलाया जाता था कि आपने कैसा रेलवे को फायदा लाया, क्या किया। आज आप देख लीजिए, आज आपकी पूरी अर्थव्यवस्था रेलवे का देखिए, हर प्लेटफार्म का, हर ट्रेनों का निजीकरण हो रहा तो भी घाटा पूरा नहीं हो रहा, घाटे पे जा रही हैं। तो सोचिए कैसा उनका विचार था, कैसा उनका दिमाग था। ये राष्ट्रीय नायक हैं और इस राष्ट्रीय नायक को जीवित रखना, इन चीजों को हम सबका काम है। अभी साथियों आप देख रहे हैं जाति जनगणना का मुद्दा उठा, हमारी जो प्रतिनिधित्व है आज तक हमको 52% क्यों नहीं मिला, 27 तो मिला, हम 52 की बात करते हैं, 27 तो नहीं मिला। जब भी कोर्ट में हम जाते हैं तो ये बात होती है कि आपकी आबादी कितनी है, आपकी संख्या कितनी है, तो आज तक हमारी जनगणना नहीं हुई। जनगणना तो हुई थी, हमारी SC ST भाइयों की जनगणना होती है, हमेशा होती है जातीय जनगणना, लेकिन OBC वर्ग की नहीं होती। तो आप उनकी गिनती करिए, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो इसी आधार पे हार जाते हैं, आपका प्रतिनिधित्व क्या है भाई, आपकी संख्या तो 20 फेवर डाटा है नहीं। तो इसके लिए बिहार से लालू प्रसाद जी के जो भी बेटे हैं तेजस्वी जी ने अभियान चलाया था और कई पिछड़े लोगों ने, अब उसमें नीतीश जी जैसे भी हैं उसमें सहयोग दे रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की है, एक अच्छी पहल है। सभी राज्यों पे दबाव पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी संवैधानिक अधिकार है कि अपने स्तर पे जनगणना करके आप प्रतिनिधित्व अपने राज्य पर दे सकते हैं और यही काम हो रहा, कहीं ना कहीं से केंद्र पे दबाव बनेगा, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हमारा मुद्दा है नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है, शिक्षा नीति के बारे में लोग नहीं रहे, जैसे चरवाहा पाठशाला उन्होंने किया था कि लोग गाय भैंस जो चरा रहे हैं अपना पशुपालन कर रहे हैं लेकिन सब साथ में स्कूल में भी जाए, लेकिन आज का जो 2020 न्यू एजुकेशन है, नई शिक्षा नीति, उसमें आप देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप देखिएगा टोटल का टोटल ब्राह्मणीकरण है, स्कूलों में आपको संस्कृत पढ़ाया जाएगा, हमारे बच्चों को संस्कृत की आवश्यकता नहीं, हमारे बच्चों को अंग्रेजी की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को साइंस की, विज्ञान की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को तार्किक और वैज्ञानिक क्षमता विकसित करने की मनोबाद शिक्षा नहीं दी जाती है। तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा, ये हमारे मसीहा लोगों का दिया हुआ चीज है। साथियों बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे बहुत सारे हमारे बिहार के साथी हैं वो कहते थे कि पहले हम समंतियों के बीच में कभी बैठ नहीं पाते थे, बैठना उठना तो दूर, थाने में अगर हम जाते थे तो थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। देखेंगे बिहार में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, आप देखिएगा बिहार से संबंधित है जो उनका एक
पेशा हुआ करता था लागू करवाया, आज नीतीश जी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कहीं न कहीं 25 साल वहाँ के ही लोग रहे हैं, इनवादी तरह की हम सीएम अभी तक नहीं पाए हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड ये भी अच्छी इंसान पिछड़ा वर्ग को दे रहा है। वहाँ पे जो सामंतवादी थे, जो जमींदार हैं, जो माल वसूली लगान करते थे, या कोई गरीब है अगर वो अपनी चीजें बेचता था तो उसको बहुत कम में वो लेते थे और उसको महंगे दाम में बेचते थे, उनका जो है तो शोषण करते थे। एक जाति विशेष को लोग ही जिसको दमंग कहते हैं, वहाँ भी है लोग बहुत संघारो जैसे बताया कि नर हुआ करते थे वो लोग, थे गांव का गांव जो है हमारे को काट देते, हम लोग संख्या ज्यादा होते, उन्होंने ये ये बल दिया कि आप आपके पास हथियार नहीं तो चार कहना आपके बाद आप भी उठाइए रात भी डंडे और सामना करिए। और परिणाम रणवीर जैसे रणवीर सेना जैसे सामंतवादी संघ को उन्होंने नाबूद कर दिया और आज हमारे लोग ये हिम्मत करके सर उठा के चलते हैं कि हम सामने से टक्कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये देन हमारे मसीहा राष्ट्रीय मसीहा लालू यादव जी की है। साथी वो बहुत बड़ी चीजें हैं, हम लोग सामाजिक चीजों में ही हैं। अपने जमाने में उन्होंने जहां तक बिहार की बात है 6-7 यूनिवर्सिटी बनवाई, उनमें शिक्षा का विकास किया। वो हमेशा संघियों के एजेंडे में रहते हैं, संघियों को कभी सफल नहीं होने देते हैं, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है लेकिन वो अकेले खड़े हुए हैं। इस देश में भ्रष्टाचारी हर एक आदमी बाहर भारतीय के नस नस में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। और भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आर्थिक, चारित्रिक भ्रष्टाचार होता है। आप समय पे काम पे ड्यूटी नहीं जाइए तो भ्रष्टाचार होता है, अगर आप घर के कर्तव्यों को नहीं निभाइए तो भ्रष्टाचार हो जाता है, कई तरीके के भ्रष्टाचार होते हैं। तो हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, तो ऐसे भ्रष्टाचार तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है? हम तो ऐसे भ्रष्टाचारी को सलाम करते हैं, अगर आप कहते हैं नमन करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी की हमको जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज पाखंडवाद में, पुरोहितवाद में, अंधविश्वास में डूबा है। हम जिसका विरोध करते हैं, हम जिसका उसी के रीति रिवाज को, उसी के धर्म ग्रंथों को, उसी के रीति रिवाज धर्म ग्रंथ, उसी के लिखे पाठ्यक्रम को, उसी के रीति रिवाजों को, चाहे वो आपका घर का उतारा हो, बच्चों का आप बरह करते हैं या आप शादी ब्याह करते हैं, सम्यक संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है। सम्यक संस्कृति को उन्होंने मोड़ाई करके गलत तरीके से दिया, जिसको ब्राह्मण की बोलते हैं। अगर इसमें जाइए तो जितने भी ऐतिहासिक चीज भी आप मिलेंगी वो पुराण पे आधारित है। आप मेगस का इंडिका पढ़ेंगे, साक्षाधारित है, इतिहास है। अलबरूनी का भारत पढ़ेंगे, इतिहास है। लेकिन अगर आप वेद पुराण उपनिषद और क्या क्या होते हैं उनको पढ़िएगा, है आप कुरान पढ़िए, चाहे आप बाइबिल, ये इतिहास नहीं है, ये एक कहानी है। लेकिन कुरान में एक व्यक्ति जिक्र है जो पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया में आया, बाइबिल में जिक्र है ईसा मसीह का इस दुनिया में आया, हमारे आप जैसे आदमी थे। लेकिन जो तथाकथित ब्राह्मण संस्कृत का जो धर्म ग्रंथ है जिसका इस दुनिया में कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है, सब काल्पनिक है और काल्पनिक चीज साहित्य पे लिखे जाते हैं, ये महाग्रंथ है, ये इतिहास नहीं है। आप इनको इतिहास मान के आपको बताया जाता है, कहीं भी आप जाइएगा कोई साक्ष्य नहीं मिलते। और इसी में हमारे जो बहुजन समाज के लीडर हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम यादव हो, या मायावती हो, कोई भी हो, इस संस्कृति को आज तक नहीं छोड़ सके, जिसको कहीं नहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अपनाते हैं। हम कहते हैं कि हम अम्बेडकर, पेरियार और फुले विचारधारा के अनुयायी हैं। जैसा देवेंद्र यादव सर ने कहा, जब आप बाहर बात करेंगे लेकिन घर में जाएंगे तो आपको वही चीज मिलेगा। तो शुरुआत हमको अपने घर से करनी है। अगर पेरियार ललई सिंह यादव को हमारा यादव समाज जान जाए, उनको पढ़ ले, तो आज इस भारत देश का, भारत देश के राज्यों का किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगेगा। हम उस काल्पनिक ग्वाले को, उस काल्पनिक ग्वाले कृष्ण को,
जिसने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या किया, उस पर अगर हम आए तो आप देखिए कहीं कोई इतिहास नहीं है, नहीं कुछ ऐसी चीजें हैं साहित्यिक चीजें की गई, उसको आप मानते हैं और उस इष्ट को मान के आपने क्या सीखा। अगर उस पर विवेचना करें तो लोग बोलेंगे कि ऐसा कर रहे हैं। आप उसको तार्किक दृष्टि से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिए जो हमको दिखाई देता है, और यही कहीं ना कहीं हम इसी पाखंडवाद में फंसे हैं और इसलिए हम लोग स्थायी चीज को नहीं अपना पाते। अल्पजन समुदाय इसीलिए हम बहुजन समुदाय पे राज कर रहा है, और तोड़ने का नतीजा, तोड़ फोड़ करने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक चीजों का है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का है। इस परिवर्तन को जब तक आप नहीं अपनाएंगे, अपने महापुरुषों से नहीं सीखेंगे, महापुरुषों ने कभी भी धार्मिक गुलामी पाखंडवाद का समर्थन नहीं किया, हमेशा विरोध किया। अगर आप कभी कथा कहानी प्रवचन आप लोग बहुत सारे जुनने जाते होंगे, हमारी माताएं बहनें खासकर बहुत ज्यादा जाती हैं पुरुषों के चोरी चोरी में छुप कर, इनका ड्यूटी गए हैं या यहाँ गए हैं तो वो जाते हैं, तो उसमें आपको सुनने को क्या मिलता है? एक ब्राह्मण देवता था, एक राजा था, राजा है देवता है, कोई कहानी शुरू होती है तो सामंतवादियों ब्राह्मणवादियों या ऊंचे वर्ग जिनको बोलते हैं भारतीय संस्कृति में, उनसे शुरू होती है। और जितने भी समाज का भला करने वाले हैं वो आप सब पिछले, जिनको पिछड़े तबकों का बोला जाता है वो लोग हैं। तो वहीं से आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारे लोग कभी भी धार्मिक चीज के समर्थक नहीं थे, और हम लोग यहाँ पे आके समर्थन करके पाखंडवाद में फंस के समाज को गर्त में ला दिए हैं। और परिणाम है कि हम चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे जात गणना की बात करें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, या हम अपने पढ़ाई लिखाई दवाई हॉस्पिटल मान सम्मान की बात करें, जब तक इस पे सुधार नहीं होगा नहीं मिलेगा। ये चीज लालू यादव और उनके परिवार या जो भी लोग हैं हमारे पीछे समाज के मसीहा, उनको आगे सोचना पड़ेगा, ये गलती दोबारा ना करें। अभी ये गलती हो रही है, इस मंच के माध्यम से हम लोगों को यही सुनना चाहें। अभी हम इसमें बहुत वक्त है, हम भी सुनेंगे, क्यों अगर इनके बारे में की जाए तो बहुत ज्यादा है, तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ अपनी बातें भी रखेंगे, और इसलिए आपने हमें सुना। टीम है उसको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है बच्चों को, और बीच की उम्र वाले और हम जैसे बुजुर्गों के लिए, ताकि कुछ नई नई जानकारियां मिलती रहें। और जो जो पहलू हम लोग अपने आप से नहीं सोच पाते हैं, वो तमाम तरीके से उन पहलुओं को समझें और कुछ दिशा में आगे बढ़ सकें, तो इसके लिए आप पूरी ऑर्गेनाइजर टीम जो है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। जहां तक लालू जी का प्रश्न है, तो लालू जी जैसे दो तरीके के महापुरुष होते हैं। एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, या वो किसी और रूप में लोकगीत के रूप में या किसी तरीके से याद किए जाते हैं, जिनका कोई चित्र या वो हमारे पास नहीं होता है। और एक ऐसे महापुरुष हैं जो लगातार हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बीच में हैं, हमें दिशा दे रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं। तो ऐसे जिंदा महापुरुष भारत के नेल्सन मंडेला, राष्ट्रीय नायक, सोशल रिफॉर्मर, जमीनी नेता और हमारे अगुआ, आज हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी के उनके जीवन पे और उनके कृत्यों पे थोड़ा सा उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है, शायद मैं थोड़ा आपके आशाओं पे खरी ना उतरूं, लेकिन प्रयास कर रही हूँ। तो जैसा कि है, लालू प्रसाद जी
बहुत प्रैक्टिकल और गरीबों के नेता हैं। 11 जून 1948 को पैदा हुए। फुलवरिया एक जगह है गोपालगंज जिले में, वहां उनका जन्म हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए और शिक्षा उनकी पटना यूनिवर्सिटी से हुई। एमए एलएलबी किया था और एमए एलएलबी के तुरंत बाद शिक्षा के दौरान ही वो राजनीति में आ गए थे। उनको पटना यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की मानक उपाधि से भी नवाजा था, लेकिन उसको उन्होंने कहने का मौका मिला था। और उसी पशु चिकित्सालय में इनके भाई, बड़े भाई, वो भी इसी हॉस्पिटल में काम करते थे चपरासी के रूप में। लालू जी 90 से 97 तक बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और जगन्नाथ मिश्रा जी, उनके दौर में काफी कहर ओबीसी और एससी एसटी पे ढाए गए थे। वो जब से लालू जी बने वो उनकी आंखों की किरकिरी ही थे। बावजूद इसके वो एक दबंग लीडर रहे तो उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब लालू जी ने उनके खिलाफ एफआईआर की और वो की, तो पूरा जैसा कि ये नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, वो सक्रिय हो गया और उन्हें फंसाते ही चले गए। 135 दिन जेल से ही सरकार चलाई थी। लोग जो भी काम करते लालू जी, उस पे लोग कहीं ना कहीं से व्यंग ढूंढ लाते। उस समय भी कहा कि बताओ राबड़ी देवी जो है वो अंगूठा टेक है और उनको सीएम बना दिया। राबड़ी जी ने भी अच्छे से संभाला। आपके 6 भाई बहन थे, 6 भाई बहन हैं और 9 बच्चे हैं। 9 बच्चों में 7 बेटियां हैं, मीसा भारती हैं, राजलक्ष्मी हैं, रोहिणी, चंदा, तनु, अनुष्का, रागिनी, हेमा और 2 बेटे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। एक बेटी आपकी माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ भी आई हैं और उनका नाम भी तेज प्रताप यादव है, जिनसे शादी हुई है। तो ये पृष्ठभूमि है लालू जी के परिवार की। रावड़ी जी के 2 भाई हैं, एक साधु यादव और दूसरे सुभाष प्रसाद यादव, जो वो भी राजनीति के हैं। सबसे जो लास्ट वाला केस था लालू जी का, वो बड़ा ही रोचक था। उसमें लालू जी जो है 2009 में विधानसभा चुनाव में जो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र था, वहां से गिरिनाथ जी प्रत्याशी थे। उनके चुनाव प्रचार में लालू जी जा रहे थे और लालू जी का जो उड़न खटोला था, लालू जी ने उसको एक विद्यालय था उसमें, गढ़वा विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, वहां गढ़वा गोविंद उच्च विद्यालय नाम था उसका, वहां उन्होंने उसको उतार लिया। और जो प्रोटोकॉल के तहत वो उतरना कल्याणपुर हेलीपैड पे था। बस इसी बात में वहां जो है अफरा तफरी मच गई और जो विशेष अदालत होती है मेले एमपी की, वहां उनको बुलाया गया। 6,000 रुपए जुर्माने लगाए और 28 मिनट की उनकी पेशी थी।
तो ये एक बहुत रोचक केस रहा और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन जो संविधान के तहत जो जो ये पायलट होते हैं, पायलट की जिम्मेदारी थी कि उसको वहीं उतारा जाए, तो ये इसमें ये बड़ा रोचक केस रहा था कि उनका उड़न खटोला वहां उतर गया और जनता में बहुत अफरा तफरी हुई कि अरे वाह लालू जी तो सीधे आ गए। बहुत सारे एक के बाद एक घोटाले के केस आते गए, लेकिन थोड़ा समय जगन्नाथ मिश्र जी के विषय में बताना चाहूंगी। जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही ये केस शुरू हो गया था, चारे वाला। ये बाद का नहीं है, ये पहले का है। और इसके बाद धीरे धीरे जो राजनीति है उसमें खून सा लग गया। 1996 में पशुपालन विभाग के दफ्तर में छापेमारी हुई और उसमें पता चला कि पशुओं का जो चारा आपूर्ति है उसके चारा आपूर्ति के नाम पे पैसों में हेरा फेरी की गई है। इसी के साथ ही एक चारा घोटाले का ये चिन्ह रूप लेके निकला। हाई कोर्ट के आदेश पे सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया और सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। पहला आरोप पत्र दायर किया गया जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, ये शामिल थे। 2013 को रांची की सीबीआई विशेष अदालत में उन्हें चारा घोटाले की सजा सुनाई गई। उन पर दुमका और डोरेंडा निधि धोखाधड़ी के आरोप में आरोप का मामला उनको लगाया गया, आरोप लगाया गया। जगन्नाथ जी पर भी आरोप लगा। जगन्नाथ मिश्रा ने विपक्ष के नेता के रूप में 3 अफसरों के सेवा विस्तार के लिए सिफारिश की थी। जो रिटायरमेंट एज होती है उसमें एक्सटेंशन देने के लिए जगन्नाथ मिश्रा महाशय जी ने 3 अफसरों की सेवा विस्तार की थी, सिफारिश की थी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने कुछ पैसा लिया, कोई अन्य फायदा उठाया, इस आरोप को सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई। और ये जो 3 अफसर थे ये उसमें इन्वॉल्व थे। बाद में अदालत ने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा इस मामले में सीधे तौर पे कोई आरोपी नहीं है, इसलिए उनको 2018 में बरी कर दिया गया। जबकि जगन्नाथ मिश्रा ही मेन दोषी थे। अब इस केस का आंखों देखा हाल जो वहां हुआ, वो जिसने देखा वो बताया कि जगन्नाथ मिश्र उस सुनवाई के टाइम पे गए थे और बड़े नाटकीय ढंग से दुर्गा सप्तशती हाथ में लिए थे और समय से बहुत पहले अदालत में पहुंच गए, बीमार थे और अपने सहयोगियों के साथ जो कोर्ट रूम के पीछे न्यायाधीश का कमरा होता है वहां जस्टिस प्रवाश कुमार सिंह के चैम्बर के समीप जा पहुंच गए। उन्हें वहां बाहरी कुर्सी पे बिठा दिया गया
जेल जाते ही जगन्नाथ जी की हालत और बिगड़ गई। ये सॉरी जेल जाते नहीं कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई वैसे ही उनकी हालत और बिगड़ गई, ऐसा नाटक किया। और वहीं पर लोग जो है जुट गए उनकी सेवा में और कुछ लोग दवाइयां देने लगे, कुछ लोग अपने अपने तरीके से उनको सपोर्ट करने लगे, सहारा देने लगे। इसी बीच में न्यायाधीश ने उन्हें अपने चैम्बर में अंदर बुलाया, तो वे भीतर गए, थोड़ी देर वहां रहे और थोड़ी देर बाद बाहर आके कुर्सी पे बाहर बैठ गए। जब आरोपियों की सजा सुनाने के क्रम में उनकी बारी आई तो उन्हें पीछे वाले दरवाजे से ही कोर्ट के भीतर ले जाकर बिठा दिया गया। बाहर से नहीं आए, आरोपी की तरह नहीं आए, एक विशेष अतिथि की तरह वो पीछे से उनको ले जाके बिठाया गया। वे फैसला समझ नहीं पाए थे, फैसला बोल दिया गया था लेकिन उस फैसले को समझ नहीं पाए और लगातार अपने साथ आए लोगों से पूछते रहे। जब फैसले पर साइन करने की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। जब बताया गया कि आप दोषी करार दिए गए हैं तो उन्होंने सदमे में चले गए और अपना कुछ सामान जो साथ में लाए थे, ये सामान उस हिसाब से लाए थे क्योंकि उन्हें पहले से मालूम था कि यहाँ से सीधे हमें जेल जाना पड़ेगा। इसी के बीच में उनका जो गनर था उसने कान में कुछ कहा और फिर वो घर चले। तो ये कहानी वहां के किसी व्यक्ति ने बताई कि इस तरीके से हुआ और उनको फेवर करके और लालू जी को फंसाने का पूरा वहां से शुरू हुआ। तो इस तरीके से पहला सीबीआई घोटाला जिसमें 25 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा, दूसरे में 3.5 साल की कारावास, तीसरे में फिर दोषी पाए गए, चौथे में फिर दुमका वाला केस था कोषागार का, उसमें फिर उसमें 60 लाख जुर्माना 14 साल की सजा हुई, पांचवा फिर इसी तरीके से उनको फंसाते चले गए। और जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं ना, एक शुरू में डायग्नोसिस गलत हो जाए तो पूरा ट्रीटमेंट गलत हो जाता है, तो लालू जी भी इस साजिश का शिकार होते ही चले गए। बहरहाल लालू जी को क्रिकेट एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष भी रहे 2001 में और पटना और छपरा के सारे खेलों से जुड़े रहते थे। उन्हें कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और इंडोर गेम का बहुत शौक रहा। अब कुछ समाज के से रिलेटेड चीजें मैं मेरा अपना व्यू पॉइंट बताना चाहूंगी कि हम जो है शिक्षा से तो दूर रहे हैं और शिक्षा हमारे पास तक आई नहीं। तथागत बुद्ध की क्रांति के बाद जो प्रतिक्रांति हुई उसके भय से महिलाओं को सीमित कर दिया गया, उनको पूरी दास की तरह रखना शुरू कर दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया और उनके पास जैसा कि पीछे हमारे विनोद भाई जी और उन्होंने कहा कि महिलाएं इसमें बाबा और बाबी के पांडाल में ज्यादा जाती हैं और ज्यादा अंधश्रद्धा में विश्वास करती हैं, उसका कारण क्या है? जो कमजोर होता है वो सहारा ढूंढता है, महिलाएं अपने आप को कमजोर पाती हैं और सहारा ढूंढती हैं, साइकोलॉजिकली सहारा ढूंढती हैं। समाज उनके विपरीत परिस्थितियों के रहते वो उनका पूरा विकास हो नहीं पाता है और
मजे की बात ये है कि जिस कोख से वो पैदा होती हैं, वो कोख भी और उसके साथ उसी कोख से दूसरे उसके बहन भाई पैदा होते हैं, वो और जिस कोख से वो खुद पैदा करती है बच्चों को, उन सब वो सब जो है डोमिनेट करते हैं उसके ऊपर। ऐसी परिस्थितियों में वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ढूंढती है और वो वहां पर फिर ये अंधश्रद्धा में चली जाती है। जब हमारे सारे लोग कामकाजी श्रमिक लोग अपने रोटी जुटाने में अपना खाना और अपना ये डेली उसमें रह गए, खेती करना, कमाना, खाना, महिलाएं कूटना पीसना ये, और जब भी उन्होंने मेले दशहरे या कहीं जो सामूहिक जगह है वहां पे गए आए, तो इनके प्रवचन सुनना, इनके पांडाल में इनकी घोषणा है वो डुगडुगी बजा के कि वो सुबह जो है वो सबको जो है व्रत रखना है, ये हो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास तक पहुंचा, अंधश्रद्धा ही हमारे पास तक पहुंची और धार्मिक प्रोपोगंडा ही हमारे तक पहुंच पाए। सही चीजें अभी भी गांव देहात तक नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत से आज भी ऐसे गांव हैं जो नहीं जानते हैं कि जो मुख्य धारा में लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के अलावा जो सीमित संसाधन है उनको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो ये खाली उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके के पास तक मनुस्मृति और छुआछूत, अंधश्रद्धा, ऊंच नीच ये सब चीज पहुंची, वैसे ही उनका वो रहा है, उसी तरीके से विकास हुआ है। अब यहाँ हम जो है अपना कुछ ये चाहते हैं कि यदि सारी चीजें एडवर्स हैं और हम इनसे उबरना चाहते हैं, तो हर जागरूक व्यक्ति, हर मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत सारे हमारे रिटायर्ड भाई हैं, बहनें हैं, वो ये बीड़ा उठाएं कि कम से कम 3-4 बच्चों को वो शिक्षित करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी सहारा हो जाएगा समाज में। दूसरी बात ये है कि अभी भी जो जाति का गौरव है वो गया नहीं है, जातियों में बट के रह गए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने धर्म को चेंज करके, सभी लोग इसमें बैठे हैं जो अग्रणी लोग हैं, जो समाज के लीडर्स हैं, समाज सेवक हैं, वो बैठे हैं और इसमें एक प्लान बनाएं कि क्या वो बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हैं या कुछ और। इस पे जैसे लिंगायत लोग थे, उन्होंने अभी आंदोलन किया था, ऐसे हम लोग भी आंदोलन करें कि हम आपके हिंदू धर्म में नहीं आते हैं और हमारे बस बहुत हो गया, अब हमें माफ कर दो, अब आप हिंदू हो तो बने रहो, हमसे कोई मतलब। तो जो लालू जी ने किया है उनके उनके तो हम हमेशा ही सभी लोग आभारी रहेंगे। उन्होंने जो हिम्मत दी है, जो ताकत दी है समाज को, जो संघर्ष किया है हम लोगों के लिए, और अभी भी उनका जो साहस है वो कम नहीं है, वो झुकेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे ही महापुरुष की हमको आवश्यकता है जो हमें जोश में रखे और हमें दिशा देता रहे। तो ये थोड़ा सा मैंने अपना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। और तो हमें पटना यूनिवर्सिटी
से समझना होगा। जितनी आंदोलन में उनकी सहभागिता हो सकती और उन्होंने इस तरह का अपने को मरे हुए रूप में प्रकट किया वो भी समझना होता है। आगे चलकर वो 77 में प्रदर्शन के बाद एमपी बनती है वो भी समझना होता है। एमपी बनने के बाद में कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद भी बच के लगता ये भी समझना होगा। और बाद में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का 3 कैंडिडेट थे। एक राम सुंदर दास पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक क्या नाम है वो शिवा ऐसे एक झा जी थे समझ गए चंद्रशेखर गोट का आर्य थे। जब ये 3 कैंडिडेट थे तो लोग ने हमसे पूछा कौन मुख्यमंत्री लायक होगा। हम क्या राम सुंदर तो मैं जा रहा हूँ कैसा है तो राजपूतों का नाम है वैसा मुख्यमंत्री हम लेके क्या करें। लालू थोड़ा तगड़ा है बोलता है करता है तो बिहार को मुख्यमंत्री बन गए। उनकी शुरुआती दौर में कार्य बहुत हद तक सराहनीय था। उन्होंने एक सभा में कहा कि पोथी पोतरा जला दो, अच्छे स्टेप लिया। आगे चलकर वो व्यक्ति 5 वर्ष का काल वो कुछ हद तक सही रहा। बिहार में सामंती शक्तियां उनके काल में फली और बिहार में उन्हें नरसंहारों का मुख्य संरक्षक घोषित कम्युनिस्टों ने किया और कृष्ण अवतार के रूप में भी लोगों ने उनके बारे में चर्चा किया। कृष्ण अवतार है यानी जो कम्युनिटी है सामाजिक जातीयता कम्युनिटी है जातिवादी उसने कृष्ण अवतार के रूप में बताया। नरसंहारों का दौर चलते रहा और ये रणवीर सेना के लोगों के साथ साझा मंच करते रहे। एक ज्वाला सिंह आदमी था जो होली के दिन खूनों से होली खेला था, ये भी इनका एक वर्ग चरित्र है। आगे चलिए, आगे इन्होंने घोटाला 78 से चल रहा था यानी 77-78 से घोटाला चल रहा था कम बेसी। लेकिन आगे चलकर इनके रीजन में घोटाला बढ़ गया है। ये बात है कि ब्राह्मणवादी ने एक ही मुद्दा को 5 बार हला दिया। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है भी वित्त मंत्री भी थे, दोनों पद पे थे। तो वित्त जो फाइनेंस कर रहे हैं उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसका पूरी रिपोर्ट आया उसमें ये सच आया कि स्कूटर के नंबर पर माल ढुलाया। विधानसभा में रिपोर्ट आ गई जिसके चलते चर्चा चली, तब इन्होंने जांच करने का आदेश दिया। लेकिन वो जो सिस्टम था जिसमें देखो सूरज जी नाम के थे अभी वो मुख्यमंत्री झारखंड को हराकर सांसद विधायक बने हैं थे, रविशंकर जो केंद्रीय मंत्री पहले रहा वो था, कई लोग ने FI लॉज किया हाई कोर्ट में। उसमें नीतीश कुमार को कहा गया साइन करने के लिए। नीतीश कुमार हाल फिलहाल कहा कि मैं तो भैया साइन भी किया था, हम उसमें नहीं था। जो शिवानंद तिवारी था जो आज बिहार के उनके उनका बेटा राजद का विधायक, जब आप दुश्मन वर्ग की आपको पहचान नहीं, जिस दुश्मन शिवानंद तिवारी ने फंसाया उसी को आप राजसभा समझेंगे, तो सवाल है ये इनका कौन सा व्यक्ति है जो फाइल में रहा है। जब ये बिल में गए
जगन्नाथ मिश्रा को बेल हुआ, एक को जेल हुआ, तो हम लोगों ने वाचा मिश्रा को बेल और लालू को जेल, कैसा यही मामला है। बाद में फुलवाड़ी से लोग कहते थे कि सरकार चला रहे थे कि राबड़ी दबा की थी, जब देव गए तो उनके लोगों ने हमसे कहा कौन सा रास्ता है जो बाहर निकल सकते। मैंने वो रास्ता बताया, उस तरह का जजमेंट आया और वेल हुआ। वेल जहाँ देव में हो रहा था मैं उपस्थित था। लालू प्रसाद का जो साला है साधु ठाकुर, हाथी लाया था, हाथी की सवारी करके वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। चलो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में सरकार 7-8 दिन का नीतीश कुमार का बना, हम लोगों ने नीतीश को सपोर्ट नहीं किया, फिर दोबारा राबड़ी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना वर्ग चरित्र वो बदल नहीं पा रहे थे। बाद में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, वो सरकार नहीं और ना विधायक लोकसभा के सके, फिर बाद में चुनाव हुए तो उसमें नीतीश कुमार सत्ता में। तो लालू को समझना चाहिए कि हम जिस वर्ग की बात करते हैं, महापुरुष बनना चाहते हैं, तो महापुरुष अंधविश्वास पाखंड से दूर होता है, अपने वर्ग के बारे में सोचता है। लेकिन आज तक मैं देखता हूँ अभी चुनाव में विधान परिषद राज्यसभा में उन्हीं वर्गों को भेजे जो उनके दुश्मन वर्ग थे, जिसको हमारे पीसी अधिकार मंच ने कहा भूमिहार। बिहार के 80% भूमिहारों के पास संपत्ति। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी बातों में संजीदगी बढ़ती जा रही है, हम बहुत धरातल से जुड़ते जा रहे हैं और अपने उस मकसद की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन लगा आज का जो लालू यादव जी के बारे में जो एक बहुत ही फैक्चुअल एक इंफॉर्मेशन शेयर की है सभी हमारे वक्ताओं ने। आज 26 जून है और साहू जी छत्रपति जी का जन्मदिन भी है, हम उनको भी याद करें जिन्होंने इस देश में दलित कुचले समाज के लिए पहली आवाज उठाई थी, जब सारा देश आर्य समाज के चंगुल में फंस चुका था। हालांकि साहू जी महाराज भी आर्य समाज के चंगुल में कुछ हद तक फंस गए थे, इनको पता ही नहीं चला कि ये मूल शंकर तिवारी ब्राह्मण जो आया है यहाँ, ये सत्यशोधक समाज का विनाश करने आया है। हालांकि उनका झुकाव ज्यादा सत्यशोधक समाज की तरफ था, फिर भी आर्य समाज का जो ये झूठ है ये बहुत फैला और अभी भी फैल रहा है। तो उनकी एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बात का आज वक्त है। आज जब हम लालू प्रसाद यादव को याद करते हैं तो आज हमें इस बात को याद करने की भी ज़रूरत है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं उनका कितना ज़रूरी है आसपास होना। हम बहुत बेहतरीन ये मंच है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, नेता भी हैं हमारे राजनीतिक जिनकी एम्बिशंस हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भी उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो जो धरातल से जुड़े हुए एकेडमिशियंस हैं, जैसे अभी मैडम डॉक्टर पुष्पा जी, तो ऐसे जो एकेडमिक जो लोग हैं, ये साहू जी महाराज ने इसकी शुरुआत की थी बाबा अम्बेडकर को अपने साथ लगाकर, शायद बाद में हम इनको भूल गए होंगे। और तो आज उनको याद करने का भी दिन है। हाँ, अभी लालू प्रसाद यादव जी के बारे में एक सफल राजनीतिज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता, राजनीतिक सफलता में कई बार आत्महत्याएं भी करनी पड़ती हैं, जापान में ऐसा होता है, बाहर के लोग कर लेते हैं आत्महत्याएं, मर जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े ऐसी स्थितियां आती हैं, यहाँ दूसरे तरीके से मारते हैं। और ये जो चारा घोटाला जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली चारा घोटाला नहीं है, ये तो इसको सेंसेशनल बनाने के लिए इसमें चारा डाला गया, चारा नाम डाला गया ताकि इसको सेंसेशनल बनाया जाए। और मिश्रा की जो चालाकी थी, जगन्नाथ मिश्रा की,
उसको एक राजनीतिक पटल के ऊपर उछाला जाए और ये जो मंडल का जो एक एक नया एक नया जो मंडल के बारे में जो नई समझ पैदा हो रही थी ओबीसी वर्ग में, उनके खिलाफ एक साजिश की जाए और वो साजिश में वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। ये घोटाला एक वेटरनरी हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल में जो सीमेन को फ्रीज करने के लिए कुछ चीजें आती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं गाय भैंसों का, और वहां पर जो रिकॉर्ड रखते हैं वो ऐसा रिकॉर्ड में घोटाला था। ये हर एक जो बदमाश जो करप्ट जो डॉक्टर थे या वहां के जो मैनेजमेंट के लोग थे वेटरनरी हॉस्पिटल्स के, उन्होंने ऐसे फर्जी इंसेमिनेशन कर रहे हैं, बस खाली डॉक्यूमेंट्स में भर रहे हैं कि आज हमने 500 गायों को इंसेमिनेट किया या 500 भैंसों को इंसेमिनेट किया। वो गाय भैंसे है ही नहीं, फर्जी नाम चढ़ा के और उसमें ऐसे लाखों करोड़ रुपया उन्होंने बर्बाद किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू जी के पास एक एक्सपर्ट लोगों की प्रोफेशनल लोगों की टीम का अभाव था। अभी पीछे जिक्र भी हुआ एक हमारे प्रभु जी ने शायद बताया कि उनके जो मनुवादी वकील थे तो ये वाकई बिल्कुल सच्ची बात है। और मनुवादी फिर उनके जजीज साहबान, तो उन्होंने तो सोने पे सुहागा हो गए। जब हम फेल हो जाते हैं अपना केस आर्ग्यू करने में, जब हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, हम केवल उस मनुवादी व्यवस्था में वकील सिर्फ एक झूठा है। जैसे इनके ऊपर जो अभी कह रहे हैं एफआईआर के लिए हाईकोर्ट में नहीं गए, इनके खिलाफ पीआईएल डलवाई गई जानबूझ कर। ये साजिश होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के खिलाफ कराई गई। तो इस पब्लिक इंटरेस्ट जन ऐसी कुछ लिटिगेशन बोलते हैं उसको हिंदी में, पीआईएल करा के इनको वहां से भी डायरेक्शन कराई गई और फिर इनको एक्यूज बनाया गया। तो ये पीआईएल कैसे कराई गई, वही इंसेमिनेशन मशीनें बनाने वाले जो ब्राह्मणवादी लोग थे या जो वहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल में गाय भैंसों को रखने के लिए जो एक एक बनाते हैं लोहे का, उसके जो लोग थे उन लोगों ने पहले से इम्प्लांट किया था। जगन्नाथ मिश्रा की बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन किसी की साजिश में हम शिकार होते रहे। बाबा अम्बेडकर के बाद, साहू जी महाराज जैसे लोगों के बाद, और ज्योतिबा फूले के अपना विचारों के बाद, तो पेरियार के विचारों के बाद, तो हमें शर्म आने चाहिए हमें कि हम उनके शिकार हो रहे हैं। तो दिस इज, ये कोई इसका कोई वो नहीं है कि बेचारे हैं या नहीं, हमें बहुत, यदि हम राजनीति में है तो हमें और भी ज्यादा अपनी अपनी सुरक्षा के लिए एक वो बनाना चाहिएगा। लेकिन ये बहुत एक दुखद हुआ, पर इनके ऊपर इतने केस बनाए गए, 53-54 केसेस बनाए गए, जिनमें से शायद अभी 45 केस डिसाइड हो गए हैं लास्ट में जाके, और अभी कुछ और पेंडिंग पड़े हैं, अभी चलते रहेंगे शायद, इनके मरने की वेट ही कर रहे हैं। मिश्रा जी तो चले गए। तो ये जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा 1977 में, तो तभी से ये आंखों की किरकिरी बन गए थे, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे सारा मनुवादी समाज हो। तो उन्होंने सोचा था कि ये बंदा उभरेगा और इसको हमने कैसे मलियामेट करना है। तो ये 91 से 96 में, ये तो ये मुख्यमंत्री था उन दिनों, तो उन्हीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मशीनों में, उन्हीं घोटाले में, मेडिसिन में, इसमें चारा वारा भी थोड़ा बहुत होगा। चारा क्या होता है, वो कोई न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं कुछ जानवरों को देने के लिए, कैल्शियम विटामिन वगैरह ऐसे कुछ, या एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन होती होगी, तो उनमें ये उनका घोटाला है ये। वो तो सारे जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट इनके खिलाफ बनाए, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे वो सारे मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो सीबीआई के डायरेक्शंस पे बनाए गए हैं, ये बाद में इम्प्लांट किया गया। इनको नहीं पता था इस सारी कहानी का। आपको पता होगा ये हरियाणा में उन्होंने भी एक जेबीटी घोटाला उनके ऊपर आया था ऐसे ही। तो वो उसमें क्या हुआ, उसमें एक हमारे जानकार हैं तो शेर सिंह बड़सामी, वो उनको एमएलए होते थे वो, तो उनका एक बेटा है, वो ऐसे ही नाकाबिल लोग हैं, ये उसको उन्होंने एसडीएम बना दिया, एचसीएस की एक परीक्षा में उसको पास करवा दिया। वो एचसीएस की परीक्षाएं हमने भी दी थी, लेकिन वहां पर हमें पता था उस जमाने में क्या होता था। तो ये कुलवीर है इसका नाम, ये दोस्त है वैसे हमारे साथ ही पढ़ता रहा, तो ये एसडीएम बन गया। तो जब इसके पापा के ऊपर ये केस हुआ
ये भी स्कैम वाला, तो इसको हमने बताया, पूरे थे तो हम आपस में जानकार थे कि आप लोग इसको अपने आप हैंडल करो, इसने लॉ भी की हुई है कुलवीर ने। खैर मैं तो उस टाइम लॉ में नहीं था, आई वाज डॉक्टर बाय दैट टाइम, मैंने बाद में लॉ की, पर मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इसमें भी, क्योंकि मेरे फादर शेर सिंह बड़श्यामी वगैरह उनके पास जाया करते थे, हमारे नजदीक में ही रहते हैं, ये ओरिजिनली जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने ये बात नहीं मानी और वो आज फिर वो जेल में बैठे हैं। इनके पास जितने भी एडवोकेट थे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बाद में जब मैंने इनका केस देखा रिसेंटली, बाद में जब इनको उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट में जब सजा हुई है तब वो लेके आए थे कुलदीप जी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते और अच्छे अपने जो प्रोफेशनल वे में उन चीजों को नहीं रख पाते। तो यही हाल हमारे लालू जी के साथ भी हुआ, और अभी 8 मई को जो खबर चल गई कि लालू प्रसाद की डेथ हो गई, इनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें चल रही है। तो ये जो जब हम लालू को याद करते हैं तो आज हमें शायद चंद्रानी मुर्मू को याद करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये उस समय 29 साल के थे और चंद्रानी मुर्मू ये भी ये 25 साल की एज में बनी है, ये हमारे समाज की एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है बीजू जनता दल से। आई डोंट नो, ज्यादा तो नहीं पता इनके बारे में, लेकिन इनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन लगे थे पिछले दिनों, तो इनका भी हमने एक केस स्टडी किया था उसमें, तो इसलिए मुझे याद आ गया इनके बारे में याद। तो चंद्रानी मुर्मू हाफ रिकॉर्ड तोड़ा इनका, चौटाला के बेटे ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था 27 साल में बन के। तो जगन्नाथ मिश्रा जो चलाक आदमी था, उसने एक अपनी मुहिम चलाई थी और अपने मिनिस्ट्री में 40% से ज्यादा उसने अपने ब्राह्मणों को रखा था, और तब इसने देखिए आप आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, कई बार हमारी ये हम यहाँ चर्चा करते हैं और ये काफी हम चिंतित होते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये जगन्नाथ मिश्रा ने एक कोएलिशन बनाया किनका, ब्राह्मणों का, दलितों का और मुस्लिम्स का, और क्या करने के लिए, ताकि बैकवर्ड को ओबीसी को चेक किया जाए। तो आप ये देखें, ये इनके समीकरण बड़े गजब के बनते रहते हैं, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, और उन्होंने ये ओबीसी का ऑनस्लॉट था, ये 19 जब मंडल के से पहले जब ये थे उस समय इन्होंने शुरू कर दिया था, जब ये रणवीर सेना के बारे में हमारे अभी मिश्रा जी बता रहे थे मेरे ख्याल से, जो हमारे लास्ट स्पीकर अभी बीच में बोले हैं रविंदर सिन्हा जी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रकाश डाला इसके ऊपर। तो अब शेड्यूल्ड कास्ट को उन्होंने कैसे, उनके से उनको कुछ उन्होंने सरप्लस की जमीनें दे दी और उनको फिर वही कावड़ यात्रा और पूरा धार्मिक जो अपना प्रपंच है उसमें उन्होंने उलझाया उसको। तो मैं एफ आर फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकेल एक है नीदरलैंड के राइटर है, उन्होंने इनके ऊपर एक हिस्टोरिकल बुक लिखी है, द कास्ट एंड इक्वालिटी इन इंडिया, हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इस किताब में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे लोकल जो एकेडमिशियंस हैं या हिस्टोरियन है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो शायद चीजों को उस नजरिए से नहीं देख पाते, और उस एंगल से हम चाह रहे थे कि शायद लालू प्रसाद यादव के बारे में कोई हमारा लोकल इंडियन कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसमें कोई वक्तव्य हमें देगा, ताकि हमारे बच्चों को या हमें या आने वाले पीढ़ियों को हम एक नई दिशा दे सके। आई डोंट नो किसी ने इनके ऊपर थीसिस लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, लेकिन फ्रैंकलिन की बुक पढ़ने वाली है, और इसमें इन्होंने जो कास्ट का जो सारा जो डिटेल दिया है वो बेहतरीन है, और उसमें ये जो मिश्रा को एनालाइज करने के लिए इनको ज्यादा समय नहीं लगा, इनको पता चल जाता है, जो हालांकि दे आर नॉट इंडियंस, ये बाहर के लोग हैं, फिर भी समझ लेते हैं कि कितना बायस है ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो पहले कविता करके गए हैं हमारे पहले अपना वक्ता, उन्होंने कहा ये झूठ और सच, तो ये झूठ और सच तो सारी दुनिया में पता चल जाता है इमीडिएटली। तो फ्रैंकलिन ने अपने उस कॉन्सेंसस को अप्लाई करके, और ये मिश्रा का अच्छा पोस्टमार्टम किया है, और मिश्रा का सारा जो फ्रैंकल का जो आर्गुमेंट है वो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में जाता है कि कैसे ओबीसी को धराशायी किया गया। आज हम लालू प्रसाद की कुछ कमियां लेके और उनको आज डिमोनाइज भी कर देते हैं, जैसे हमारे कुछ वक्ता कर भी रहे हैं, वो ठीक है, ये उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन हमें ये डिमोनाइजेशन से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है, ये सभी में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें रहती हैं, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए।
तो लालू जी एक बेहतरीन ह्यूमरस उनकी बड़ी मजाकिया पर्सनैलिटी थी, और जो बंदा मजाक करता है वो करप्ट वगैरह कम ही होते हैं, वो लोग जो इस टाइप का मजाक करता है, जो इस टाइप से जो चीजों को ह्यूमरस वे में लेके चलता है, वो तो शिकार हो गए अपने किसी उसके, जब उनके पास पूरा एक आपस में एक अच्छे एक्सपर्ट जो एडवोकेट्स हैं या एक्सपर्ट उनके ओपिनियन देने वाले हैं, जब उनसे वो दूर हुए। और ये बात सही है कि जब हम मनुवादियों के चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो हम हर जगह हमारी लाइक पूरिंग करेंगे, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने समाज के लोगों को ऐसे प्रोत्साहित करें, अपने जो यंग बच्चे जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं या कुछ जो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उसको उस एंगल से देखें और इस मनुवादी परिपाटी से बाहर निकलें। और डॉक्टर पुष्पा जी ने बड़ा बेहतरीन कहा महिलाओं के विषय में, और इसमें मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लालू जी के बारे में जब मैं हमारे मित्र हैं उनसे बात कर रहा था यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई इनके ऊपर पीएचडी कर रहा है और वो काफी नए रोचक तथ्य और इनके बारे में जो फैक्चुअल जो रिपोर्ट्स हैं और ये जो फोर्डर स्कैम के बारे में भी जो चारा घोटाले जिसे कहते हैं उसके बारे में भी शायद हमें नई चीजें मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा आज का, और भी हमारे वक्त है, मैं काफी समय ले गया आपका, और मेरे ख्याल से आज कोई समय सबसे अच्छा संविधान है, और हमारे संविधान का जो सार है वो हमारी उद्देशिका है। हमारे उद्देशिका में यदि हम अपने संविधान की उद्देशिका को अच्छे से हम सभी समझ लें और उसके अनुरूप हम लोग अपने संविधान का अध्ययन करें, निश्चित है कि हम लोग बहुत कुछ पाएंगे। हम अपने संविधान की उद्देशिका पर, जैसा कि सरकार आदेश है, हमारा संविधान की उद्देशिका है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, सर इसमें हम शब्द देखें, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का यूज किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, प्रभुत्व संपन्न जिसके प्रभुता अपने आप में निहित है और प्रभुता निहित है भारत, हम भारत के लोगों में। ये चीजें हम लोगों को अच्छे से समझना होगा कि जो प्रभुता भारत के संविधान में जो निहित है वो हम भारत के लोगों में निहित है। अगला शब्द यूज किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाद में जोड़ा गया है समाजवादी शब्द। देखिए समाजवादी शब्द केवल बाद में उसको उद्देशिका में हमारे लाया गया है, जब अपने हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में जो समाजवाद की जो भावना है वो पूरे नीति निदेशक तत्व और उद्देशिका में भरी पड़ी है, वो शब्द केवल लाया गया बाद में। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी शब्द, समाजवाद क्या है, इसको हमको अच्छे से समझने के लिए अरस्तु को पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो को पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम समझ पाएंगे कि समाजवाद क्या है। अगला शब्द यूज किया गया है, भारत के संविधान में राज्य का कोई अपना पंथ नहीं होगा, कोई अपना धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देगा, ये चीजें यहाँ है। अगला शब्द यूज किया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दो शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं सर, एक है लोकतंत्र, लोक में लोकतंत्र में दो शब्द फिर मिले हुए हैं, एक है लोक और दूसरा है तंत्र। तो हम अपने संविधान को यदि पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 से 51 तक लोक के विषय में है। हमारा जो भाग 1 है उसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिक कौन कौन होंगे उसके विषय में चर्चा है भाग 2 में, भाग 3 हमारा फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, और भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, और लास्ट में जो जोड़ा गया 51 का
भाग चार का फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ तक तो लोग हमारे संविधान का, हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अच्छे से शब्दों के साथ और उसके विराम चिन्हों को अच्छे से समझते हुए अनुच्छेद 51 का तक, सॉरी हाँ अनुच्छेद 51 का तक अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए उसकी भावना क्या है। और आगे उसमें जो है 52 से वो तंत्र है कि ये तंत्र हमारा कार्य कैसे करेगा, जो हमारा ये लोकतंत्र है ये कार्य कैसे करेगा। अनुच्छेद 52 के बाद के जो भी भाग हैं वो तंत्र के लिए विस्तार से वर्णन है कि कौन तंत्र कार्य कैसे करेगा। तो लोकतंत्रात्मक है और फिर गणराज्य शब्द है, एक और एक शब्द जुड़ा हुआ है गणराज्य शब्द। गणराज्य शब्द दो तीन चीजें हमको इसमें समझने की है जी। एक तो हमारी जो हमारा जो प्राचीन इतिहास है जिसमें हमारे गणराज्य हुआ करते थे महाजनपदों में, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। इसी प्रकार से जो हमारा राष्ट्रपति है वो जन्मजात नहीं होता है, वो गण द्वारा चुना जाता है। और जो राष्ट्र का प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं विधायक और सांसद उनके माध्यम से हमारा राष्ट्रपति जो राष्ट्र प्रमुख चुना जाता है। और इस प्रकार से हमारा ये जो राज्य है वो गणराज्य हुआ, भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अगली लाइन है तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन शब्द यूज किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। अब सामाजिक शब्द को समझने के लिए हमको समझना होगा कि समाज क्या है, समाज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके कितने पार्ट हैं समाज सामाजिक समाज के। जैसे हम देखें तो समाज के अंदर ही शिक्षा आती है, समाज के सामाजिक के लोगों समाज की शिक्षा की स्थिति क्या है, समाज के अंदर स्त्रियों की दशा आती है, समाज के अंदर ही धर्म आता है कि समाज जो है उसके धार्मिक स्थिति क्या होगी, समाज के अंदर संस्कृति भी आती है, मनोरंजन भी आता है और समाज के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें आती हैं। हम अच्छे से विचार करें तो लगभग मनुष्य के जीवन की जो भी गतिविधियां हैं वो सामाजिक क्षेत्र में ही आ जाती हैं। और हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, इसमें वर्ण व्यवस्था भी आती है, मतलब कि समाज व्यवस्था कैसे होगी, सारी चीजें इसी के अंतर्गत समाज के अंतर्गत आ जाती हैं। वो शिक्षा संपत्ति विवाह जो परंपराएं प्रथा जो भी चल रही हैं ये सारी चीजें, वेशभूषा खान पान कला संगीत ये सारी चीजें हमारे समाज के अंतर्गत ही आ जाती हैं। सामाजिक न्याय की बात की गई है यहाँ, और दूसरा शब्द यूज किया गया है आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय और तीसरा शब्द यूज किया गया है राजनीतिक न्याय। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत त्याग और हमारे महापुरुषों ने बहुत त्याग करके हम लोगों को यथासंभव राजनीतिक न्याय देने का प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक सफल रहे, चाहे वो सभी के लिए एक समान मताधिकार का मताधिकार हो, चाहे वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए एक व्यवस्था
जिसको हम एससी एसटी के लिए फिक्स सीटें देखते हैं, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की हो या अन्य राजनीतिक संवैधानिक पदों के लिए हो, तो राजनीतिक न्याय हमारे संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को उपलब्ध कराने का यथा संभव प्रयास किया और उसमें वो बहुत हद तक कहा जा सकता है सफल भी रहे। इसकी जरूरत सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हमको मिले, इसके लिए हम लोगों के कंधों पर ये भार था और है, और ये भार तभी उतरेगा जब हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय अच्छे से संविधान को पढ़ते हुए अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होते हुए, और जैसा कि भी कुछ साथियों ने भी कहा कि सामाजिक व्यवस्था तभी चेंज होगी जब हम इनकी व्यवस्था को छोड़ें, अपनी सामाजिक, और बहुत से महापुरुषों ने भी कहा है कि जिसका समाज व्यवस्था पर कब्जा होता है उसका राज्य व्यवस्था पर कब्जा होता है, और उसी का कारण है कि राज्य व्यवस्था पर हमारा कब्जा नहीं है, 3% 5% लोग राज्य व्यवस्था पर पूर्णतः अपने को स्थापित किए हुए हैं, जबकि हम लगभग 85 से 90% लोग हाशिए पर हैं। उसका कारण केवल और केवल है कि समाज व्यवस्था पर हमारा कब्जा नहीं है, हम उन्हीं की समाज व्यवस्था को आज भी मांग रहे हैं, आज भी उसका पालन कर रहे हैं आंख मूंद कर। इसको हमको बहुत अधिक इसी पर काम करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से अर्थ मनुष्य के जीवन में हमेशा एक महत्व रखता है, और उसके लिए भी न्याय की व्यवस्था हमारे उद्देशिका में की गई। अगला पॉइंट जो मूल्य है हमारे संविधान के, यही है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, और मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। इतने हमारे संविधान की उद्देशिका में जो मूल्य हैं, तो न्याय तीन क्षेत्रों में, स्वतंत्रता कहाँ कहाँ है, विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, और फेक सत लिखा है, रिलीजन धर्म होता है, अंग्रेजी में फेक सत है, तो इस शब्द को समझना हमको पड़ेगा, एक एक शब्दों को क्या यूज किया गया है अंग्रेजी में और उस शब्द को क्यों किया गया है, स्वतंत्रता के लिए भी। लिबर्टी का प्रयोग किया गया है, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो शब्द क्यों प्रयोग किए गए हैं इसको हमको अच्छे से समझना होगा। समता के लिए भी इक्वलिटी का प्रयोग किया गया है, ये सब चीजें हमको एक एक शब्द को अच्छे से अध्ययन करके और उसको समझना होगा। हमको आर्थिक न्याय के विषय में अगर समझना है तो अनुच्छेद 38 को पढ़ना होगा। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, ये शब्द लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। और दूसरा जो आर्थिक के लिए है, जिसका आज के जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उसका दुरुपयोग कर राज्य विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, ये 38 सेकंड का आर्थिक के लिए प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 38 हमारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए अधिकार देता है और राज्य को